नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। बहुत सारे लोगों को आई फ्लू जो है वो हो रही है अभी इंडिया के अंदर, और उसका एक बहुत ही छोटा आई ऑइंटमेंट आता है, उसका एक डिटेल रिव्यू आज मैं आपको देने वाला हूँ कि इसका यूज कैसे करना है, इसके यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, और ये कौन कौन से बीमारियों में काम आती है, आंखों की कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, इसका एक डिटेल रिव्यू आज मैं आपको देने वाला हूँ। शायद आप इस छोटे से आई ऑइंटमेंट को पहले से ही जानते होंगे, लेकिन इसका डिटेल रिव्यू आज मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हो ये सबसे छोटी आई ऑइंटमेंट है, इसको आप एप्ली कैप के नाम से जानते होंगे या फिर आई कैप के नाम से भी जानते होंगे। ये सिंगल यूज में लाई जाती है, यानी कि एक टाइम अगर आप इसे ओपन करते हो तो आप एक ही टाइम में दोनों आंखों में लगाकर इसे खत्म करना जब भी आप इसको ओपन करते हो। तो बाकी आप यहां पे देख सकते हो इसके अंदर के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्लोराम फेनिकोल जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। क्लोराम फेनिकोल आई ऑइंटमेंट जो है वो इसे कहा जाता है। ये एप्लीकेप जो है बहुत सारी कंपनियां बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडी फेनिकोल जो है ये इसका ब्रांड नेम है। इसके प्राइस की बात करें तो 10 आई ऑइंटमेंट की प्राइस जो है वो 25 रुपीज है, यानी कि 1 आई ऑइंटमेंट या फिर 1 आई कैप की प्राइस जो है 2.5 रुपीज है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की आपको कैप जो है वो आपको दिखाई देगी, इस तरह से मेडिसिन दिखाई देगी। तो चलिए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किन किन अवस्थाओं में आंख में किया जाता है। तो अगर आपके आंख में रेडनेस की समस्या होती है या फिर आपके आंख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या होती है जिससे आपके आंख में सूजन आ जाता है, या फिर आपके आंख से आंसू आता है, आपके आंख में किसी भी तरह की चुभन जैसी समस्या होती है, या फिर आपके आंख में धुंधलापन दिखाई देता है, वो विजन की वजह से नहीं, अगर आपको किसी भी तरह की इन्फेक्शन की वजह से जो धुंधलापन दिखाई देता है वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके आंख में चिपचिपापन महसूस होता है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी तरह की खुजली अगर आपके आंख में होती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी रिसेंट जो है इंडिया के अंदर आई फ्लू जो है वो भी फैली हुई है, वहां पर भी ये बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। वहां पर आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 टाइम करते हैं तो आपकी आंख की जो ये आई फ्लू की समस्या है वो भी दूर हो जाती है। इसके अलावा आपके आंख में इस तरह की कोई भी समस्या दिखाई देती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेटर ढंग से काम करती है। जानते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखे नहीं जाते हैं फिलहाल, लेकिन जिनको मोतियाबीन की समस्या होती है या फिर जिनके आंख की ऑपरेशन हो चुकी है रिसेंट में, उनको ये आई ऑइंटमेंट जो है वो डॉक्टर के सलाह के बाद ही लगानी है। तो इसके अलावा आंख की इन सब समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।